नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेंजओवर के बारे में। दोस्तों तीन टाइप के चेंजओवर हम आपको आज दिखाने वाले हैं, कितने कितने एम्पीयर में चेंजओवर आते हैं और क्या क्या काम आते हैं। तो दोस्तों चेंजओवर के बारे में बताते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी अनबॉक्सिंग भी आपको करके बताऊँगा, इनकी प्राइस वगैरह जो भी है और क्या क्या काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने आइसोलेटर भी रख रखा है और चेंज ओवर भी रखे हुए हैं। चेंज ओवर दोस्तों 63 एम्पियर 40 एम्पियर के रखे गए हैं हर एक। दोस्तों इसकी कंपनियों के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं जो बॉक्स रखा पड़ा है आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये हफ्ते वाला है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तिया कंपनी का है, रिवर्सिंग स्विच इसमें लगा गया है, 16 एम्पियर का है दोस्तों और मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या उपकरण इसके अंदर आता है और कैसे इसका यूज़ होता है। तो देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दोस्तों इसके अंदर कुछ निकला है। मैं आपको इसको लगाकर इसकी अनबॉक्सिंग करके पूरी तरह आपको बता देता हूँ कैसे ये यूज में आता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों नजर आता है, हमने ये लगा दिया है। इससे दोस्तों ये प्लास्टिक और ये सेफ्टी के लिए लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों बाई चांस कभी बारिश वगैरह में या कभी या अपने जो गीले हाथ लग जाए तो इससे प्रॉब्लम ना आ जाए, इस वजह से दोस्तों इसको कवर के साथ लगाया गया है। दोस्तों इसको बाहर निकाल के मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से पॉइंट है। दोस्तों जो बीच में जो पॉइंट रहेगा वो ओप का पॉइंट रहेगा, और जो आप चेंज ओवर में जैसे बाहर की लाइट को दोस्तों अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से दोस्तों इसको जैसे अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो दोस्तों जिस तरह से आपने तार सेट करके जैसे मीटर के तार आपने इसमें सेट करके घर की लाइट में ले यूज कर रखा है, और दूसरा दोस्तों इन्वर्टर की लाइन अगर यूज में ले रखे है तो दोस्तों इन्वर्टर की भी आप इसमें चला सकते हैं। जिस तरीके से आप यूज करना चाहो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर दोस्तों इन्वर्टर की ना यूज करके तो दोस्तों वो अपन शोर प्लेट जो लगाते हैं उनकी लाइट को भी आप इस चेंज ओवर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं LT कंट्रोल स्विच रिवर्सिंग 16 एम्पियर का स्विच है, 3 HP तक दोस्तों ये लोड आराम से 3 फेज तक का दोस्तों ये छेड़ सकता है, 50 HP ये मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों इस तरह का ये आइसोलेटर भी और जो चेंज ओवर है वो आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों MCB वाले अगर चेंज ओवर की बात करो तो इसमें आपको स्पष्ट इस तरीके से समझ में आ जाएगा। चेंज ओवर दोस्तों लिख रखा है उस पर कंपनी का है, देख सकते हैं दोस्तों आप इसमें ऑप्शन साफ दे रखे हैं। देखो आप नीचे के पॉइंट भी देख सकते हैं, ऊपर के पॉइंट भी दोस्तों इसमें दिए गए हैं। जो जो दोस्तों जैसे आप सोलर प्लेट के तार इसमें लगा के लोड का तार इधर निकालना चाहते हो और या फिर आप मीटर के लाइन के तार लगा के लोड के तार इधर निकाल सकते हो, जैसा आप यूज में लेना चाहो दोस्तों वैसे आप इसे यूज में ले सकते हो। तो इसकी प्राइस की अगर बात कर लेते हैं, यह आपको मार्केट में दोस्तों 160 रुपये 170 रुपये का दोस्तों आसानी से मिल जाएगा, 16 एम्पियर का 160 रुपये 170 रुपये। और दोस्तों अगर इसकी बात करें दोस्तों आपको ये 40 एम्पियर का दोस्तों आपको 300 रुपये के समथिंग आसानी से मिल जाएगा। वैसे दोस्तों 250 रुपये 280 रुपये का भी आता है मार्केट में। ऑक्सफर कंपनी की बात करूँ दोस्तों 312 रुपये या 310 रुपये के समथिंग दोस्तों 40 एम्पियर 63 एम्पियर का दोस्तों आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी भाई इन चीज़ों के बारे में अनजान है, रेट वगैरह नहीं समझ पा रहा है कि कितने रुपए का आता है, कौन सा खरीदे, कौन सा बेस्ट हो, दोनों ही बेस्ट है। आप जिस हिसाब से यूज़ मिलना चाहते हो वैसा ले सकते हो। दोस्तों ज़्यादातर बिकने वाली चीज़ ये है, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते वाला सिस्टम है जिसमें आसानी समझ में आ सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि वैसे कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे यूज़ मिले कैसे यूज़ में ना ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।